और अब खबर मुरैना से है, जहां मिलावटी खाद्य पदार्थों को बनाने वाली डेयरी पर छापामार कार्रवाई की गई। सिहोनिया थाना पुलिस के साथ पुरावस गांव में खाद्य एवं औषधि प्रशासन का अमला पहुंचा, जहां डेयरी पर 150 टिन सोयाबीन रिफाइंड ऑयल, 18 कट्टे ग्लूकोज पाउडर, 30 लीटर हाइड्रोजन परऑक्साइड और 60 किलो घी के साथ ही 60 लीटर सेपरेट दूध भी मिला। सिंथेटिक दूध का निर्माण करने के लिए दूध का घोल बनाने के लिए कारोबार किया जा रहा था। डेयरी संचालक दिनेश तोमर से इस मामले में पूछताछ की गई है। वहीं खाद्य प्रशासन दल की शिकायत पर संचालक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जहाँ जनता के साथ धोखाधड़ी करने और अमानक खाद्य पदार्थों का निर्माण करने का संचालक पर आरोप लगाया गया। देखो सामने काली लाल बेसी अलग इससे हटके पता ना अब एक जैसे हैं तो करेंगे हैं सब एक जैसे हैं चीज वाली नहीं है हैं करेजा तो वाली है। चलो यार इसमें घी है, ये हो गए दो, ये ग्रेंजी तीन, रिफाइंड चार, हाइड्रोजन पांच, वो रह गया। अरे केमिकल निकलना है कहाँ, हो गया तो फोन।